हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप अपनी हिंदी की बुक का पेज नंबर 48 ले लीजिए। पेज नंबर 48 पर आपको पार्ट 17 भारतीय सत्कार भावना फुल चैप्टर मिल जाएगा। पेज नंबर 48, 49, 50 एंड 51 पर फुल चैप्टर है। साथ ही में आपको एक नोटबुक लेनी है, जिसमें आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। तो पार्ट 17 आपका स्टार्ट करते हैं, भारतीय सत्कार भावना। हमारा भारत देश संस्कारों की खान है। यहाँ अतिथि को भगवान माना जाता है तथा सत्कार भावना को परम कर्तव्य समझा जाता है। गरीब व अमीर सभी में यह संस्कृति रची बसी है। इसी गाथा में चार चांद लगाती यह सत्य घटना है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वह संस्कारों में बहुत ही अच्छा है, और अतिथि को भगवान मानकर उनका सत्कार किया जाता है। चाहे व्यक्ति गरीब हो या अमीर, सभी में यह संस्कार है। यहाँ पर आपको एक सत्य घटना बताई गई है। हम कुछ मित्रों ने घूमने का विचार बनाया, फिर कहाँ जाएं यह प्रश्न था। फिर हमने वन में रहने वाले भील वनवासियों से मिलने तथा उनके साथ 5 दिन बिताने का निर्णय लिया। हमने एक वाहन किराए पर लिया और मालवा के वन क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। वन क्षेत्र में हम प्रवेश कर ही रहे थे कि पजामा कुर्ता पहने गले में थैला लटका एक सज्जन ने रुका। पास जाकर देखा तो वे हमारे परिचित थे। वहाँ वनवासियों की सेवा में लगे परोपकार कर रहे थे। हमने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा यह क्षेत्र भीलों का है। अनजान लोगों को देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है और धनुष बाण से उन्हें मार डालते हैं। हमने उनसे निवेदन किया कि हमें वे उनसे मिलाएं। उन्होंने मान लिया और हमारे वाहन में सवार हो गए। तो ये कुछ मित्रों की कहानी है। कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने घूमने जाने का सोचा और फिर जब समझ नहीं आया कि कहाँ जाएं, तो उन्होंने वन में जंगल में रहने वाले वनवासियों भील वनवासियों से मिलने का सोचा और सोचा कि उनके साथ 5 दिन रह कर आएंगे। फिर उन्होंने किया, एक गाड़ी किराए से की, वाहन किराए से लिया और वन क्षेत्र में प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो उनका परिचित था। उन्होंने बताया कि उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो धनुष बाण से मार डालते हैं। तो उन्होंने फिर उस व्यक्ति से वे निवेदन किया और उनसे मिलने की बात रखी और वो मान गए और उनके साथ जाने लगे। करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद एक तीर बड़ी तेज़ी से आया और हमारी जीप के सामने कांच में लग गया। तो 3 किलोमीटर वो आगे ही बढ़े थे और वैसे ही उनकी जीप के कांच पर एक तीर बहुत तेज़ी से लगा। हम घबरा गए, किंतु हमारे साथ बैठे सज्जन रूप सिंह जी ने हाथ ऊपर करके हुला ला ला जय श्री राम कहा और 10 कदम चलकर जीप खड़ी करवा दी। तो वहाँ बैठे रूप सिंह जी जो थे, उन्होंने अपना हाथ ऊपर कर उनका कोडवर्ड जो था वो कहा और जीप 10 कदम आगे गई, जीप खड़ी करवा दी। झाड़ियों से बाहर निकले 5-6 भील उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। फिर जैसे ही गाड़ी रुकी वो निकले तो 5-6 भील उनके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर दिया है, रूप सिंह जी ने कुछ कहा, सभी भील हमारी गाड़ी के पास आकर हाथ जोड़कर कुछ बोले, शायद माफ़ी मांग रहे थे। उनमें से 2 हमारी जीप में बैठ गए, बाकी पलक झपकते ही गाड़ी के आगे आगे भागने लगे। वे हमें अपने गांव ले जा रहे थे। हम उनकी बस्ती में पहुँचे, करीब 60-70 भीलों ने हमें घेर लिया। उनका पहनावा पट्टीदार लहंगा, जनेऊ की तरह एक पट्टी, सिर में पंखों की टोपी। उनमें से एक ने आकर हाथ जोड़कर कुछ कहा, हमने भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया। हमें वे अपने भगवान के मंदिर ले गए। वहाँ अत्यंत सुंदर राम जानकी की प्रतिमा स्थापित थी। शाम होने पर गीत गानों का कार्यक्रम रखा गया, चारों ओर मशाले जल रही थी। कार्यक्रम के बाद वे भोजन के लिए ले गए, मक्के की मोटी रोटी, मिर्ची की सब्जी हमें खाने को दी गई। मिर्ची कम खाने की आदत के कारण जैसे तैसे भोजन किया। अगला है, एक घर में 2 लोगों को ठहराया गया। हमें 2 कंबल मिले, 1 बिछौना और 1 ओढ़ने के लिए। हमारे मन में उनके व्यवहार को लेकर स्वर्ग जैसी अनुभूति हो रही थी। हम लेट गए। उस घर का मुखिया मिट्टी के घड़े में पानी रखकर चला गया। उस परिवार में पति पत्नी और 1 बच्चा था। हमें नींद नहीं आ रही थी, बाहर घूमने का विचार बनाया। बाहर निकले तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उनकी दशा देख हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमने देखा कि पूरा परिवार आग के पास बैठकर रात काट रहा था। ठंड का समय था। महिला ने एक साड़ी पहन रखी थी और उसी से अपना तन ढक रखा था। हम पास गए, मालिक ने झट से उठकर हमारे लिए 2 पत्थर के टुकड़े रखे। वह कुछ कुछ हिंदी बोल सकता था।
हम में से एक ने कंबल लाकर बच्चे को ढकना चाहा। उसने कहा, नहीं, यह कंबल आपके लिए है, आप हमारे अतिथि भगवान हो। हमने पूछा, घर में और कंबल नहीं है? तो उसने कहा, ना छो साहब जी, दो काफ़ी हैं। हमने कहा, आप एक कंबल नहीं लोगे तो हम भी आपका कंबल नहीं छुएंगे। उसने कहा, साहब जी, आप हमें पाप में मत डालिए, अगर आपको कष्ट होगा तो हम भगवान को अपना मुंह नहीं दिखा सकेंगे। धन्य है उनका आतिथ्य। हमने रात गुजारी, दिन गुजारा, रात की घटनाओं को याद कर शाम को ही वहाँ से चल दिए। करीब 1 किलोमीटर तक उन्होंने हमारी जीप स्टार्ट नहीं करने दी, वे धक्का लगाकर लाए। सभी रो रहे थे उनके दिए प्रेम सम्मान को देखकर, हमारी आंखों में भी आंसू भी नहीं थमे। उनकी यादों को अपने साथ लिए हम अपने शहर लौटे। सोच रहे थे कि जिन्हें हम पिछड़ा कहते हैं, उन वनवासियों जैसा आतिथ्य हमें कहाँ देखने को मिलेगा। धन्य है भारत का आतिथ्य, धन्य है वनवासी। इस चैप्टर से आपको शिक्षा मिलती है कि अतिथि सत्कार की भावना भारत के सभी परिवारों में होनी चाहिए। यह हमारी संस्कृति की विशेषता है जिसे भूलना नहीं चाहिए। अतिथि को भगवान मानने वाले भीलों की यह कहानी हमें परोपकार और सेवा करने को प्रेरित करती है। अब आपका पेज टर्न करते हैं, नेक्स्ट पेज पर आपको इस चैप्टर के शब्दार्थ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर के शब्दार्थ में आप देख सकते हैं, आपको दिया हुआ है, आतिथ्य का अर्थ अतिथि का सम्मान, भावना का सोच व विचार, भारतीय भारत में रहने वाला संस्कार का, शिक्षा अच्छे गुण, भील का वन में रहने वाले मध्य प्रदेश की जनजाति, वनवासी का वन में रहने वाले बाण का तीर, अनुभूति का अनुभव, अन्यत्र का कहीं भी, मुखिया का घर का मुख्य व्यक्ति, सत्कार का आवभगत और मशाले का ज्योति। तो यह सभी शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में राइट कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मौखिक ओरल दिया हुआ है। तो पहला है, निम्नलिखित अनुच्छेद का सही उतार चढ़ाव के साथ वाचन कीजिए। यहाँ पर आपको एक अनुच्छेद दिया हुआ है, उसको आपको सही उतार चढ़ाव के साथ में पढ़कर कंप्लीट करना है। दूसरा है, पाठ में दिए हुए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस पाठ में आपको ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र का वर्णन आपको अपने शब्दों में कर कंप्लीट करना है। अगला आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न 3 रिक्त स्थान भरी है, जो आपको बुक में भी कंप्लीट करना है, साथ ही कॉपी में भी लिखना है। पहला है, हमें का सम्मान करना चाहिए, तो हमें अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, हमारा भारत देश डैश की खान है, तो हमारा भारत देश संस्कारों की खान है। तीसरा, डैश में अतिथि का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, भारत में अतिथि का सम्मान स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चौथा, ऐसी घटनाएं हमें एक नई देती है, तो ऐसी घटनाएं हमें एक नई प्रेरणा देती है। इसी के साथ आपके खाली स्थान यहाँ पूरे होते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर आपको इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे, जिन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। आपको इन्हें अपनी कॉपी में विथ क्वेश्चन आंसर्स एग्जैक्ट प्रॉपर वे में राइट कर कंप्लीट करना है। पहला आपका है, भील परिवार में कितने लोग थे? तो आपको उत्तर में यहाँ पर राइट करना है, भील परिवार, उत्तर पहला, भील परिवार में 3 लोग थे। सेकंड, आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, सभी मित्र किस क्षेत्र में घूमने गए थे? तो जैसे कि अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली इसके क्वेश्चन आंसर राइट कर सकते हैं। तो सभी मित्र मालवा के वन क्षेत्र में घूमने गए थे। अगला आपको यहाँ पर दिया हुआ है, भील ने कंबल किसे और क्यों दिया? तो भील ने कंबल किसे और क्यों दिया था? तो आपको उत्तर में लिखना है, भील ने कंबल अतिथियों को ओढ़ने के लिए दिया था। प्रश्न 3 पूरे हो जाने के बाद ध्यान रखिएगा, आप इस वीडियो को पॉज कर आराम से पहले क्वेश्चन लिखिए, आफ्टर दैट आपको आंसर लिखकर लाइन खींचकर उसे कंप्लीट करना है, आफ्टर दैट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ना है। अगला आपका प्रश्न है, भील परिवार के पास कितने कंबल थे? तो आपको यहाँ पर उत्तर में लिखकर कंप्लीट करना है कि भील परिवार के पास 2 कंबल थे। अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, आप अपने घर आए अतिथि के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आपको यहाँ लिखकर इसे पूरा करना है। तो उत्तर में आपको यहाँ पर लिखना है, हम अपने घर आए अतिथि को भगवान मानकर परोपकार व सेवा भावना से सत्कार करेंगे। तो यहाँ पर ये 5 उत्तर आपको क्वेश्चन के साथ अपनी कॉपी में राइट कर कंप्लीट करना है, और साथ ही में अपनी एनुअल एग्जाम्स के लिए भी इन्हें लर्न करना है।
अगला आपको जो प्रश्न दिया हुआ है आपको ये सारी एक्सरसाइज कॉपी में कंप्लीट करनी है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको अर्थ बुक में लिखे हुए दिए हुए हैं, अनुभूति का अनुभव, बाण का तीर, अन्यत्र का कहीं भी और मुखिया का घर का मुख्य व्यक्ति। अगला है प्रश्न तीन, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो वाक्य आपको कुछ इस तरीके से बनाकर पूरे करने हैं। पहला है सम्मान का, सरकार बहादुर बच्चों का सम्मान करती है। आपको जो वर्ड का वाक्य में प्रयोग करना है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। वनवासी का, भील वनवासी होते हैं तो वनवासी के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। और पहनावा का, भीलों का पहनावा अलग होता है। तो इस तरीके से आपको वाक्यों में प्रयोग पूरा करना है। लास्ट आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखिए। आपको वनवासी और भारतीय संस्कार पर अनुच्छेद लिखकर इसे पूरा करना है। तो वो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला आपका वनवासी का अनुच्छेद हम देख लेते हैं। तो वनवासी के अनुच्छेद की यहाँ 5 लाइनें आपको दी हुई हैं जो आपको राइट कर कंप्लीट करना है। पहला है, वन में रहने वाले वनवासी कहलाते हैं, वह बहुत दयालु होते हैं। वनवासी ईमानदार और मेहनती होते हैं, उनके पास रक्षा के लिए धनुष बाण रहता है और वनवासी झुंड में रहते हैं। आपको स्क्रीन पर ये जो अनुच्छेद दिख रहा है आप इस वीडियो को पॉज कर इसे अपनी कॉपी में राइट करना है, साथ ही में एग्जाम्स के लिए लर्न करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय संस्कार पर अनुच्छेद, जो आपको इस प्रकार लिखना है, भारत देश संस्कारों का देश है। बचपन से ही बच्चों को भारतीय संस्कार दिए जाते हैं। माता पिता की सेवा करना हमें भारतीय संस्कार सिखाता है। बड़ों की आज्ञा का पालन करना, छोटों से प्रेम से रहना भारतीय संस्कार का हिस्सा। मुझे भारतीय संस्कारों पर बहुत गर्व है। इसी के साथ में आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है।